पूरे मुंह पे लिपस्टिक लगी हुई है, पहले साफ करो। लिपस्टिक बताओ, होंठ के ऊपर पूरी लगा, ठीक करो ना, फिर लिपस्टिक लगी हुई है तो लोग देख रहे होंगे। मैं यहाँ पब्लिक एरिया में लिपस्टिक ठीक करूँ तुम्हारी? अच्छा, पहले तो किस कर लेते थे। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बज रहे सुबह के 9:30, दोनों उठ गए, बच्चे घूम आए हैं, हमारी कॉफी चल रही है, बच्चों ने खाना खा लिया है। ये एक बच्चा है जो एक्चुअली माँ है, अपना भी खाना खाई है, अपने बच्चे का भी खाई है। ये लड़के मुझे उसका भी दो, ये बेचारी देखो इसका खाना खा चुकी है, चेक कर रही है कि मेरा कहाँ गया। सारे बच्चे घुमा है, बच्चों की बड़ी माँ यहाँ बैठी है, एक बच्चा नहीं आया अभी तक। अरे मैंने सुना है मेरा बच्चा कोको भूखा एक्सरसाइज करने गया, सुबह का खाना नहीं मिला अभी तक उसको, तो भूखे में उसको चक्कर वक्कर आ गए तो कोको को। और ये बताओ, ये सारे घूम के आए हैं, वो नीचे क्या सोच रहा होगा कि मेरे को क्यों नहीं ऊपर ले गए सर? हाँ, मेरे साथ ये हादसा क्यों हुआ, मेरा खाना किधर है? भी उसको चक्कर उक्कर आ जाएंगे, बिजी लोग है तो। उसको खाना रेडी रखो ना, एकदम रेडी है बीबी। हाँ, किचन में रेडी करके रखा मैंने। अरे यार, आते ही हबड़ाएगा। अभी हम लोग आज सोच रहे हैं कि काम जैसे घर का खत्म होगा, जो काम के लिए आई हुई है वो पहले, बाकी का काम है वो कर देंगी, फिर ऊपरी काम मैं करूंगी। आज मेरी एक्सरसाइज अभी तो नहीं है, शाम को मैं शायद वॉक के लिए चली जाऊँ, तो अभी हम लोग थोड़ा बाहर जाएंगे। आज हमें वॉशिंग मशीन लेने जाना है, विच इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि भाई वॉशिंग मशीन की बहुत जरूरत है, घर में नहीं हो पा रहा है, वॉशिंग मशीन चाहिए। अभी आज ये सब काम सोचे हुए हैं, उनमें से होगा क्या वी डोंट नो। लेकिन हमारी ये वॉशिंग मशीन कितने साल हो गए? जब इस घर में आए थे तब आई, मतलब 14 साल। हाँ भाई साहब, जो वॉशिंग मशीन 14 साल चल गई तो अब क्या उसका खून पियोगे? हाँ, तो उसका कार्यकाल खत्म हो गया कार्यकाल। तो जी आज अभी सारे काम हो जाए, फिर नहा धो के निकलेंगे बाहर। ये तो कह रही है वॉशिंग मशीन लेने, मुझे लग रहा है देखने। नहीं बेबी, एकदम से नहीं लेंगे। नहीं नहीं लेनी है। मुझे लग रहा है कोको जो है भूखा एक्सरसाइज करके आ गया है। सर पता है हमने इसके ऊपर इतनी दया खाई है ना कि बेचारा एक्सरसाइज करने गया भूखा, बाकी सबको खाना मिल गया, इसको नहीं मिला, तुरंत आते पहले खाने के बाद दौड़ के गया। हाँ, फिर जब खाना नहीं मिला ना, खाना नहीं मिला उसके बाद तुम्हारे पास गया है। अच्छा, खाना कहाँ मिला? अरे तो भाई सफाई सफुई करा के, काम वाम करा के घर का हम लोग निकल गए। अभी सबसे पहले करेंगे ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग जाएंगे वॉशिंग मशीन लेने। वॉशिंग मशीन का फोटो वगैरह मैंने ले लिया, क्योंकि फिर जब आप एक्सचेंज में करते हो ना तो वो पूछते हैं कौन सा मॉडल लेके आया, किसको याद 14 साल पहले मशीन का कौन सा मॉडल लिया था। फोटो वोटो ले लिया हमने, अब जाके देखते हैं। फुली ऑटोमेटिक ही लेनी है ना? किसे आधी हाथ से निकालने वाली, मैनुअल वाली लेनी है क्या? बेबी मसल टोन हो जाएंगे तुम्हारे, पता है मसल्स बनते हैं। आप अपने मसल बना लीजिए, मेरे मत बनाना। आया बड़ा हर चीज में पैसा कम करवाता है, हर चीज में पैसा छुपाता है, छुपाता है। वो जब वो ले रहे थे वैक्यूम क्लीनर, तब भी इसने यही किया था, वो नहीं वो ले लो। तो उससे बाल तो तुमने एक भी दिन नहीं बनाए जो बाल बनाने वाला लाई थी। वो तो वापस कर रहा है ना? अब कहाँ वापस होगा, वो 6 साल के बाद वापस नहीं होती चीज, तुम्हें कहाँ वापस कर पाएंगे। यार ऐसा भी होना चाहिए कि आप अपने पार्टनर को भी वापस कर सकते हो कर कि भैया हमें आइटम पसंद नहीं आ रहा है ले जाओ। किसको वापस करोगे बताओ? जो वापस लेने वाले हैं उन्होंने तो खुद ही मुझे वो कर दिया ना, निकाल दिया। ये हमारी है ही नहीं, तो तुम किसको वापस करोगे? यार लेकिन ये पता है ये प्रावधान होना चाहिए। ज्यादा तुम बोलो मत, ठीक है? मैंने इसीलिए बोला पार्टनर को, मैंने नहीं बोला बीवी को। पार्टनर क्या होता है फिर? पार्टनर मतलब लड़की भी लड़के को वापस कर सके। मैं भेदभाव नहीं करता, लिंग भेद नहीं करता मैं बिल्कुल भी। जब ढटे कुएं में तुम्हें मालूम पड़ेंगे आटा दाल चावल के भाव। अरे कल मैं पंजाबी गाना सुन रहा था। हाँ। उसमें अचानक से आया, ओ तू जा डटे कोई, तो मैंने कहा ये शब्द तो मैंने सुना है। हाँ, तो तुम्हारी बीवी का शब्द है ये, बिल्कुल ठेठ पंजाबी गाना था मतलब। ये तो पंजाबी लोग बोलते हैं, जो ठेठ पंजाबी जिनको मतलब पंजाब पंजाब में, तो डटे को मतलब नॉर्मल ही होगा। मैं तो पापा के मुंह से बहुत सुनती थी तो इसलिए मुंह पे चढ़ गया, वरना मुझे पंजाबी बराबर आती थोड़ी है। मतलब भाड़ में जा, डटे को मतलब खड्डे में जा, दफाओ विनाश।
मेरे को ऐसा लगता है कि कलर भी ये सही है। हमारे यहाँ पे चीजें खराब होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स सब खराब होते ही है, तो बेटर है कि ये क्या सस्ता है, ये सस्ता कहाँ, ये तो और भी महंगा है। इसमें भी वाई फाई ऑप्शन है ये कितना के जी है? ये 11 के जी 11 है, ये 12 है, तो हमें 11 ही जाना पड़ेगा अविनाश, ज्यादा से ज्यादा। यहाँ पे आप एक मंथ का लिक्विड और मैटिक स्टोर कर सकते हो, मशीन अकॉर्डिंगली जितना लगेगा वो ऑटोमेटिकली लेगा। जैसे नॉर्मली मशीन में क्या होता है कि हम जितना भी डालते हैं ना पाउडर, वो उतना पूरा ले लेता है। हाँ, करेक्ट। तो इसमें आपके कपड़े के अकॉर्डिंगली वो मैटिक एंड लिक्विड लेगा। सो यू हैव टू, ये लिक्विड डिटर्जेंट ही जाएगा इसमें, राइट? वो नहीं जाता, नॉर्मल डिटर्जेंट रहेगा जो पाउडर वाला होता है वो इसमें जाएगा। और लिक्विड वाला, यहाँ लिक्विड वाले में स्टोरेज है, इसमें भी आप जितना पूरा भर के स्टोर करके रखिए वो ऑटोमेटिक जितना नीड होगा ना उतने नहीं। तो अब इसमें बेनिफिट क्या होता है ना, कभी कभी आप कपड़े के हिसाब से ज्यादा डिटर्जेंट डाल देते हैं, ब्लैक कपड़े वगैरह पे पैचेस आ जाते हैं। करेक्ट करेक्ट, इसमें वैसा नहीं है। और मेरे को एक बात बताओ, जो खुशबू वाला डालते हैं तो वो कहाँ डाल के रखते हैं इसमें? फैब्रिक सॉफ्ट, तो वो भी इधर ही डाल देते हैं और वो अपने आप ले लेता है। तो जी, अब वो ये रहा है कि हम लोगों को घर जाके अभी पहले मेजरमेंट करने पड़ेंगे, इनको हमें बताने पड़ेंगे कि हमारी जो वॉशिंग मशीन है वो कितने केजीज की है ना, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग ये डिसाइड करेंगे। बट कहीं ना कहीं मैं और अविनाश काफी श्योर है कि सैमसंग नहीं लेना चाह रहे हैं हम लोग, दूसरी भी और चीजें देखेंगे। अगर हमें केजी वाइज उतना मिल गया या उससे बेटर ज्यादा केजी मिल गया जो हमारे एरिया में फिट हो जाए, उसके अकॉर्डिंग हम लोग मशीन सिलेक्ट करेंगे। तो अभी हम लोगों को दोबारा आना पड़ेगा जाके, तो अभी बच्चों को खाना देने का टाइम हो गया, खाना दूंगी मैं जाके, उनको सर्वे करूंगी और उसके बाद दोबारा आएंगे अगर अविनाश के पास टाइम हुआ तो। तो जी, हम लोग कुछ वॉशिंग मशीन देख के निकल गए, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज हो गए। एक तो इसलिए कि हमारी जो वॉशिंग मशीन है वो एक कैबिनेट में रखी हुई है, तो उससे बड़ा साइज लेंगे तो कैबिनेट बंद नहीं होगा, तो साइज हम चेक करके आए नहीं है। हमारी पुरानी वॉशिंग मशीन कितने केजी हमें पता नहीं है, तो कितनी ले हमें समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ पे क्या है कि वो कह रहे हैं सैमसंग, लेकिन हमारा जो है सैमसंग के साथ 36 का आंकड़ा रहा है। हमने सैमसंग का जो भी खरीदा है वो फूक गया तुरंत, बल्कि जितने लोकल ब्रांड है वो सालों साल चलते हैं। तो पता नहीं सैमसंग से एक डर लगा हुआ है मेरे को, क्यों ऐसी है मेरे को समझ नहीं आ रहा। सही में हमें उतना ही जाना है केजीज का, तो हम आईएफ भी लेंगे बेबी। नहीं, अपन वो भी ले सकते हैं, सीमेंस भी ले सकते हैं जो हमारी ऑलरेडी है। हाँ। लेकिन आई डोंट नो, मतलब लोगों को सैमसंग बहुत जमता है, बहुत ज्यादा, लेकिन हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस, जैसे हमारा टीवी तो सैमसंग ही है ना, वो एरिया के हिसाब से भी है बेबी, सैमसंग की प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग जहाँ पे रहते हैं समुन्दर का खारा पानी वो सैमसंग के पर खच्चे उड़ा देता है, तो वो भी देखना ना। मैं बुरा नहीं बोल रही हूँ, अच्छा है सैमसंग, बहुत बढ़िया है, लेकिन हम देखेंगे अभी हमें क्या करना है। आई विल नॉट टेक एनीबडीज सजेशन, मतलब उनमें से जो बता रहे हैं कि आप ये ले लो, ये वाली ले लो, वो कह रहे हैं स्मार्ट मशीन ले लो, स्मार्ट वॉशिंग मशीन लेके मैंने उसका अचार डालना है, मुझे खुद नहीं समझ में आ रही वो क्या दबा रहे हैं। नहीं, वो वाईफाई से ऑपरेट कर पाओगी ना फोन से, वो तो कोको को दे दो ना, कोको ऑपरेट करेगा बैठ के। मतलब अगर आप सिनेमा हॉल में फिल्म देखने गए हो, हाँ। और आपको याद आ रही मशीन तो चालू रह गई, तो आप अपने फोन से ऑपरेट कर सकते हो। ओ अच्छा, मतलब चालू रह गई, मतलब कैसे चालू रह गई, हम चालू करके क्यों जाएंगे, आप घर में ही ना हो गए, गैस चालू करके आप बाहर चले जाते हो क्या? अरे भूल गए, मान लो ऐसा कुछ। काहे भूल गए, काहे भूल गए, क्यों भूल गए भाई? अरे घर की नारी है हम, हमको सब मालूम है, हम सब पे भारी है, भारतीय नारी सभी पे भारी। हम लोग अभी अपने घर के पास ही आ गए डीमार्ट पे, और यहाँ से पहले मुझे सब बॉटल्स खरीदनी है नई, और इस बार मैंने जैसे कि आप लोगों का ही सजेशन था, मैं कांच की बॉटल्स लूंगी, क्योंकि मैंने देखा कि जो प्लास्टिक की बॉटल्स है इवेंचुअली उस पे फंगस जमती है जो कि ठीक नहीं है, सारी फेंक दूंगी बॉटल्स और मैं कांच की बॉटल्स यहाँ से खरीदूंगी। तो जी, कांच की बॉटल लेने गए थे, कांच की बॉटल छोड़ के सब कुछ ले लिया, वो थी नहीं, घुसे तो फिर सामान लेके ही निकले, ये नहीं कि नहीं है तो फिर चले यहाँ से, फिर कुछ खरीदना है बस। अरे भाई एक बात बता दूँ, ये सब तुम्हारे लिए चीजें दी है, ये राइटिंग करते हो, खाते हो ना, खाते पीते हो, वही लिए, और फिनाइल ना लूँ घर के लिए, कौन जाने लगेगा, टाइल साफ ना करूँ घर की, ये सब के लिए चीजें। जब तक अंदर नहीं घुसे थे तब तक तो इन सब चीजों की जरूरत नहीं, मुझे जरूरत थी लेकिन अब बोल नहीं रही, पूरे मुंह पे लिपस्टिक लगी हुई, पहले साफ करो, लिपस्टिक बताओ, होंठ के ऊपर पूरी लगा, ठीक करो ना, फिर लिपस्टिक लगी हुई है, लोग होंगे। मैं यहाँ पब्लिक एरिया में लिपस्टिक ठीक करूँ तुम्हारी। अच्छा, पहले तो किस कर लेते थे पहले तो पब्लिक एरिया में ही किस करते थे, कहते थे मैं तो यही किस करूंगा सबके सामने, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा, डोंट बेइज्जत मी। आपको
अच्छा हाथ तो धोने दो। तो ये कुछ सामान है जो मिल गया, जो मेड लेने गई थी बॉटल्स को छोड़ के। ये मैंने कुछ डॉग्स के लिए लिया है, कभी कभी खाने के लिए देती हूँ, दूध देती हूँ, कुछ ना कुछ इनके लिए इजी हो जाए। ये लाई हूँ मैं इनके लिए और एक ये भी लेके आई हूँ, ये देख लो। तो जी चेरी को मैंने नहला दिया है, मिट्टी खा रही थी, कह रही थी मेरे को ना घास खानी है, लेकिन घास के चक्कर में मिट्टी खाने लगी। मैंने इसको रगड़ रगड़ के नहला दिया, अब मजे लेगी। और मीन वाइल मैं बना लूंगी मेरे बेबी की और मेरी कॉफी। चालू भी कर दिया, गुड गर्ल। मैंने सारा सामान प्रॉपर अपनी अपनी जगह पे रख दिया, सारा सेट कर दिया। बच्चों के अंडे उबाल दिए, बच्चों के अंडे, बच्चों के लिए अंडे, बच्चों के अंडे उबाल दिए, बच्चों के अंडे में लेंगे। और मैंने वॉशिंग मशीन की पूरी मेजरमेंट ले ली, अभी बात करूंगा वापस कि भाई इतनी इतनी हमारी मेजरमेंट है। तो जो हम सिलेक्ट करके आए वो तो हमारे कैबिनेट में आनी पाएगी, उससे थोड़ी छोटी लेनी पड़ेगी। मतलब 12 केजी लेना चाह रहे थे लेकिन अब 11 केजी वाली लेंगे। तो जी अविनाश और मैं नीचे घुमाने के लिए आए हैं, और ये देखो इनका एज यूजुअल वही स्टार्ट, लोचा छुप के बाहर कर रहा जा रहा है। उसको मालूम है उसका खाना उसको मिलने वाला है अभी, लोचा को। हम लोग वॉक करने आए थे, अब देखो हम लोग कहाँ खड़े हैं। कह रहा मैं पान खाऊंगा, सादा पान, ये भी बता दो। तम्बाकू वाला खा रहा है। तम्बाकू वाला। हाय बिल्ली। मैं पान नहीं खा सकती, पता है? अगर मैं पान खा लूँ ना तो मेरा गला गया। और कब से वॉक कर रहे हैं, इतना अच्छा वॉक कर रहे हैं, ब्लॉग भी करना भूल गए। जैसे इसने पान खाया ना, मैंने कहा मैं ब्लॉग करती हूँ, बताती हूँ लोगों को इस आदमी की सच्चाई।